श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम बचत के लाख जतन कर लें लेकिन पैसे नहीं बचते, और कभी कभी तो अचानक से धन का आगमन बंद हो जाता है, रुक जाता है, कम पड़ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई परेशानी आ रही है, ऐसा कुछ घट रहा है तो आप, और आप इसको लेकर बहुत टेंशन में हैं, तो परेशान नहीं हों। मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप यदि उपाय कर लेते हैं तो जीवन में अवश्य धन का आगमन आपका होना शुरू हो जाता है, और यदि विश्वास और आस्था से उपाय किए जाएं तो जीवन में धन की बारिश तक हो सकती है। जैसे अगर आपको व्यवसाय में लगातार हानि का सामना करना पड़ रहा है तो ये उपाय आपके लिए है। आपको बहुत ही खास उपाय है इसके लिए, किसी भी गुरुवार को एक नारियल लें और उसे 1.25 मीटर पीले रंग के वस्त्र में लपेट लें। ये ध्यान रखें कि कपड़ा कौरा होना चाहिए, यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, उपयोग किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप 1.25 पाव लड्डू यदि आप बेसन के लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप बूंदी के, जो बाज़ार में बूंदी के लड्डू होते हैं वो भी ले सकते हैं। 1 जोड़ा जनेऊ ले लें और उसे विष्णु जी के चरणों में, कोई मंदिर है आपके आसपास विष्णु जी का तो आप उनके चरणों में अर्पित कर दें, और यदि नहीं है विष्णु जी का मंदिर तो श्रीनाथ जी का मंदिर हो, कान्हा जी का मंदिर हो, तो भी आप यह कार्य कर सकते हैं। मनी मन प्रार्थना करें कि वह आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर करें। ऐसा आपको लगातार 7 गुरुवार नियमित रूप से करना है। जब आप विष्णु जी के मंदिर में जाकर समर्पित करते हैं तो अपने हाथों से उठाकर किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। ऐसा लगातार आप 7 गुरुवार करके देखें, नियमित रूप से करें, आप देखना श्री हरि की कृपा कितनी जल्दी आप पर होगी। और कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना धन आपको प्राप्त हो सकता है, उतना धन आपको प्राप्त होगा। वैसे ही यदि आप धन कमाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफी कोशिशों के बाद, काफी प्रयासों के बाद पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में आप यह उपाय अवश्य कर देखें। यदि आपके आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी है तो वह भी इस उपाय से दूर हो जाता है। यदि आपको अपने कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है तो आप इसके लिए अपने कार्यस्थल पर, जो आपका कारोबार का क्षेत्र, दुकानदारी करते हैं या जो भी करते हैं, ईशान कोण पर, जो ईशान कोण है उत्तरी पूर्व का कोना है, उस पर आप स्वास्तिक, हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और व्यापार में थोड़ी सी फूल चावल से पूजन करें, और व्यापार में जो घाटा हो रहा है उसके लिए विनती करें कि मुझे व्यापार अच्छा चलना चाहिए, मेरे को फायदा होना चाहिए। इस प्रकार यदि आप करते हैं, उत्तर दिशा में आप हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो आपको अपने कार्य में अवश्य सफलता मिलती है। स्वास्तिक जो वास्तु दोष होता है उसका निवारण कर देता है। यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास हो भी गई है तो वह दूर कर देता है, क्योंकि इसकी जो 4 भुजाएं होती हैं चारों दिशाओं का प्रतीक होती है, इसलिए इस चिन्ह को बनाकर चारों दिशाओं को एक समान शुद्ध किया जा सकता है। यदि आपके घर में मुख्य द्वार के आसपास किसी का प्रकार का वास्तु दोष है तो यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए आप 9 इंच लंबा और चौड़ा, 9 इंच ही चौड़ा सिंदूर से आप दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसकी जगह आप अष्ट धातु या तांबे का स्वास्तिक भी यहाँ लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पर लगा दें। यह बहुत ही इन्हें अचूक उपाय है और आप यदि इसको करते हैं तो आपको अवश्य धन धान्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। आप विशेष करके गुरुवार के दिन तुलसा जी के में जल समर्पित करते समय थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित करें, पूजन करें, और जब पूजन करते हैं जल समर्पित करने से पहले 2 पत्ते तुलसा जी के आप तोड़ें, आज्ञा लेकर, तुलसा जी की आज्ञा लेकर तोड़ें और वह पत्ते बिना चबाएं निगल लें। देखना माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे होती है, क्योंकि बहुत सुंदर और बहुत अचूक टोटका है, उपाय है जिससे आप अपने जीवन को बहुत ही सहज और सरल बना सकते हैं। यह आपके धन संबंधी परेशानियों को दूर नहीं करेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी दूर करेगा। आप गुरुवार के दिन आप आम के पत्तों की और अशोक के पत्तों की गुरुवार के दिन प्रति गुरुवार आप नियम बना लें। आपको जो भी पत्ते आसानी से मिल जाएं, आम के पत्ते मिल जाएं तो आम के और नहीं तो अशोक के पत्ते, उसकी बांदरबाल सुबह आप स्नान करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें और लगे रहने दें, अगले गुरुवार तक लगे रहने दें।
जब दूसरा गुरुवार आता है उस दिन निकाल दें, सूखी हुई बंदरवाल निकाल दें और उसको फिर नई बंदरवाल लगा लें। ये करके देखें, आपको इतनी जल्दी अपने जिंदगी में असर दिखाई देने लगेगा, पॉजिटिविटी, क्योंकि वैसे भी इससे पॉजिटिविटी तो आती ही है, लेकिन लक्ष्मी का प्रवेश एकदम शुरू हो जाता है। कहते हैं कि जो अपने घर में बंदरवाल लगा के रखता है तो माँ हमेशा ये लगता है माँ लक्ष्मी को कि मेरे स्वागत की तैयारी है, और आराम से वह आपके घर में प्रवेश कर जाती है। आप जो ये 23 तारीख को गुरुवार पड़ रहा है, इस दिन एक छोटा सा उपाय और करके देखें। केली का पौधा सभी के घर में, अधिकतर घरों में होता नहीं है, तो आप कहीं किसी मंदिर में आसपास कहीं भी यदि केली का पौधा है, तब थोड़ी सी चने की दाल लें, थोड़ा सा गुड़ लें, और यदि आपके पास खड़ा हरा धनिया, धना जो बोलते हैं वह है, वह ले लें थोड़ा सा, और थोड़ी सी हल्दी, यदि हल्दी की दो गठाने हैं तो आप दो हल्दी की गठाने ले लें, और एक कलश, तांबे का कलश ले लें, उससे पहले जल समर्पित करें और ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये सारी सामग्री आप केले के पौधे की जड़ में, यदि केले का पौधे का जड़ पौधा नहीं है आपके आसपास तो आप ये पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में भी गुरुवार के दिन महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, और आप जब ये चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धना और गुड़ जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे जो उसकी जड़ में समर्पित करते हैं या केले के वृक्ष में समर्पित करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, और ऐसे में आपके ऊपर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, कभी भी आर्थिक संबंधी आपको परेशानियाँ बहुत कम देखने को मिलेंगी, आप जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें सफलता दिखाई देने लगेगी, या यदि आपके पास कारोबार नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं, कोई काम धंधा नहीं है तो आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे। प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि बिना प्रयास करे आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन हाँ यह जो छोटे छोटे उपाय होते हैं हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाते हैं और हमको उस ओर ले जाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, और जब हमको रास्ता दिख जाता है तो उस पर विश्वास के साथ चलते हैं, मेहनत के साथ चलते हैं, प्रयास के करते हैं, तब अपने आप सफलता मिलने लगती है। इसलिए आप अवश्य उपाय करें, और यदि अभी तक आप मेरी आवाज़ पहली बार ही सुन रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, आपको इसी चैनल से मिलती है। यदि आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त ऐसी परेशानी, आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं या ऐसी कोई समस्या से गुजर रहे हैं जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, इस राय की आवश्यकता है, इसकी जानकारी की आवश्यकता है, तो उसके साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि मात्र वीडियो शेयर करने से या ये जानकारी शेयर करने से हो सकता है कि उनकी दुआएं आपको मिल जाएं। और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि के नाम का जयकारा लगाना न भूलें। ओम नमः शिवाय।